अस्सलामु अलैकुम। फाइंड द लास्ट शेप। लास्ट शेप को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम बॉक्स को नाम दे देते हैं 1, 2, 3 ताकि आराम से इसको हम हल कर सकें। तो सबसे पहले बॉक्स जो है उसमें हम पहले रो को लेते हैं। इस रो की डायरेक्शन को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 5 स्टेप्स से हम इसको हल कर सकते हैं। पहला जो स्टेप्स है स्टार्ट पोजीशन। हमने स्टार्ट पोजीशन इसका देखना है। ये छोटे से रो से मैं बता रहा हूँ स्टार्ट। ये स्टार्ट लेना इसका ज़रूरी है क्योंकि आगे इसने रोटेट होना है। सेकंड स्टेप्स है रोटेट क्लॉकवाइज 45। अब इस एरो को हमने 45 क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया 45 डिग्री पे। इसके बाद है हाफ कलर वाइट। इसमें हम इसका कलर जो है ना आधा वाइट हो जाता है आधा ब्लैक हो जाता है। तो ये सेकंड जो बॉक्स है उसकी तरह नज़र आता है। अब हम इसको फिर 4 स्टेप में रोटेट क्लॉकवाइज 45 डिग्री ये हमने रोटेट कर दिया इसी बॉक्स को। लेकिन अभी भी ये बॉक्स नंबर 3 की तरह नज़र नहीं आता। तो लास्ट स्टेप हमारा है फ्लिप इट। तो बॉक्स नंबर 3 की तरह तभी आएगा जब इस कलर को हम उल्टा कर लेंगे, वाइट को ब्लैक, ब्लैक को वाइट। अब हमारे पास ये बॉक्स नंबर 3 की तरह शेप आ गया। तो ये 5 स्टेप्स इस पे हम गुजारेंगे तो तभी इसका अपना शेप अपना जो है ना इसको हम हल कर सकेंगे। इसी तरह आगे हम जाते हैं। ये जो पिकमैन है इसको हम फर्स्ट बॉक्स जो है उसकी स्टार्ट पोजिशन ऊपर से है, बिल्कुल ऊपर से। अब हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट क्लॉकवाइज 45 डिग्री। क्लॉकवाइज हमने आना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना। ये क्लॉकवाइज हमने इसको रोटेट कर दिया 45 डिग्री। इसके बाद इसका थर्ड स्टेप जो आता है हाफ कलर वाइट, इसको हमने हाफ कलर वाइट भी कर दिया। अब देखो ये बॉक्स नंबर 2 की तरह नज़र आता है। इसके बाद जो स्टेप है रोटेट क्लॉकवाइज 45, इसको हम दोबारा 45 डिग्री पे ये हमने रोटेट कर दिया। लेकिन अभी भी ये बॉक्स नंबर 3 की तरह नज़र रही है नहीं आता, इसलिए हम इसको फ्लिप कर देते। ये फ्लिप हो गया, अब ये बॉक्स नंबर 3 की तरह साफ नज़र आ रहा है। यही हम बिल्कुल यही प्रोसेस स्टार पे भी अप्लाई करेंगे। तो स्टार का फर्स्ट पोजीशन हमने ले लिया। अब इसको हमने स्टार्ट पोजीशन जो है इसका स्टार्ट पोजीशन इसका लेफ्ट साइड से आता है। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड से इसका स्टार्ट पोजीशन। अब इसको हम रोटेट कर लेंगे रोटेट क्लॉकवाइज 45 डिग्री हम नारा बनता है। ये हमने रोटेट कर दिया 45 डिग्री पे। अब इसके बाद हाफ कलर वाइट इसका हमने लेना है, ये हाफ कलर वाइट। लेकिन ये अब सेकंड बॉक्स की तरह बन गया। अब इसको हमने रोटेट करना है क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये हो गया। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लोग बहुत गलत हो जाते हैं। बॉक्स नंबर अगर ऑप्शन बी देखें तो ये आता है, लेकिन हमारे एक स्टेप अभी रहता है फ्लिप इट। तो अब इसको फ्लिप इट करेंगे तो तब जाके ये ऑप्शन ए बन जाता है, ना कि ऑप्शन बी। तो इस तरह इसका आंसर है ऑप्शन ए और हमने 5 स्टेप से इसको हल किया है।